मधेपुरा सांसद और जाप के मुखिया पप्पू यादव आज पीएमसीएच के कॉटेज में उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। आप तस्वीरों में देखिए कि पप्पू यादव किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत कर रहे हैं, और इन तस्वीरों के माध्यम से आपको ये भी साफ हो रहा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की हालत अभी कैसी है। उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल पीएमसीएच के कॉटेज में एडमिट हैं, डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। ये सारा मामला तब सामने आया जब पटना में आक्रोश मार्च के दौरान उपेंद्र कुशवाहा को पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद आज 3 फरवरी को पप्पू यादव उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करने के लिए पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल के कॉटेज में पहुंचे। वहां उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का हाथ अपने हाथों में लिया और उनसे बातें की, उनको सांत्वना दी। आप तस्वीरें देखिए, सब जाहिर होगा किस तरह से पप्पू यादव ने जा करके उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है और पूछा है कि आगे की रणनीति क्या होगी। नागमणि ने मीडिया से बातचीत में बताया, जो कि आरएलएसपी के नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बेहद करीबी हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि जो कुछ भी पटना की सड़कों पर हुआ है उसके खिलाफ महागठबंधन 4 फरवरी को बिहार बंद का आह्वान करेगा। लेकिन इस बीच इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उपेंद्र कुशवाहा को गंभीर चोटें लगी हैं। आप तस्वीरों में देखिए, उनके हाथों में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। कल जो मीडिया रिपोर्ट्स में बात सामने आ रही थी उसके मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा के सिर पर भी चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें पटना के पीएमसीएच में एडमिट कराया गया, जहां बातचीत में ये पता चला कि डॉक्टरों ने उनका एमआरआई टेस्ट किया है। फिलहाल पप्पू यादव मुलाकात के बाद क्या बोले वो सुनिए। उपेंद्र बाबू का हमला एक साजिश है, ये जबरदस्ती सामने में सब कुछ है, और 5 आदमी को आप ले जाते मिलाने के लिए, भी नहीं किया जाते ही लाठीचार्ज कर दे, सिर में चोट है। मुझे लगता है कि इसकी इंक्वायरी क्या हो सकती है, इंक्वायरी सेटअप होनी चाहिए और वो इंक्वायरी हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में हो किसी भी परिस्थिति में। इसके पीछे कौन है? उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद मधेपुरा सांसद पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत में ये साफ साफ कहा है कि ये जो कुछ भी हुआ वो साजिश के तहत हुआ। उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नेता पर इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा पर पुलिस का लाठीचार्ज का कितना पॉलिटिकल असर देखने को मिलता है। द गरम पोस्ट की रिपोर्ट।